हेलो एवरीवन, आप सभी को ईद मुबारक और साथ के साथ अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज गणपति बापा का विसर्जन का दिन है। भाई अब बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है भाई मेल के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू। सर ईएमआरएस की एग्जाम की डेट बता दीजिए, क्योंकि मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है भाई कि 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, भाई इन तारीख को एग्जाम्स निकल के आ रहे हैं। और ये हम सबको पता है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या, भाई ये हमारे मलिक सर ने बताया है, जो कि सबसे ज़्यादा भाई आज के टाइम पे जो रेलेवेंट जो जिनके सोर्सेज होते हैं और जो सबसे ज़्यादा खुफिया खबर निकाल के लाते हैं वो है हमारे मलिक सर। वो अपनी अप्रोच की वजह से भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो यहाँ से निकाल लाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा उन्होंने लास्ट मैसेज में एक चीज़ बोली है कि भाई मैं अभी कन्फर्म करूँगा, शायद पोस्टपोन का भी आया है। मेरी बात ध्यान से समझना भाई, कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे, आप ध्यान से समझना भाई। आज तारीख है 28 सितंबर, मेरे भाई आज 28 सितंबर है, आज छुट्टी है। आज आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है कि कोई भी नया ऑर्डर नहीं आया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, सबसे पहले तो भाई जो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको निकालनी होती है करेक्शन विंडो। मेरे भाई क्या निकालनी होती है? करेक्शन विंडो। अब करेक्शन विंडो मेरे भाई आपकी मिनिमम 7 डेज की रहती ही है, अकॉर्डिंग टू रूल्स 7 दिन की करेक्शन विंडो रहती है भाई आपकी ओपन। तो मेरे भाई अगर मैं मानता हूं कि आज की छुट्टी है, कल भी वो जाकर अगर करेक्शन विंडो को ओपन करेंगे तो मेरे इस हिसाब से भाई 7 दिन तो मिनिमम उनको लगेंगे ही लगेंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई 7 दिन उनको लग रहे हैं तो ऐसा कभी भी अच्छा एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं फॉर एग्जांपल मानता हूं कि 7 अक्टूबर तक मेरे फॉर एग्जांपल या 5 अक्टूबर तक मेरी करेक्शन विंडो ओपन हुई, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहीं और रह रहा हूँ, अब मेरे को ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है भाई इधर से उधर आ जाइए, तो भाई मेरे को ट्रेन की टिकट भी करानी है, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि जर्नली गैप होता है 15 डेज का, बट मैं मरे से मरा भी मानूं कि मिनिमम से मिनिमम भी 7 दिन तो देंगे ही देंगे। तो मेरे भाई 7 से 8 अक्टूबर तो कतई पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, और नहीं है मेरे भाई पॉसिबल ऐसा। देखो क्या होगा, अगर आपको बता दिया जाएगा 7 से 8 अक्टूबर है तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें ना आपको जो अपना रिवाइज अपना जो अपनी रिविजन कर थे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, उनको भी रिवाइज नहीं करोगे, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे। अच्छा तो भाई मिनिमम आप मान के चलना, मिनिमम आपकी भाई देखो मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से होने के चांसेस है बिल्कुल। देखो ये डेट्स मैं बिल्कुल इसको डिनाई कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो स्पेशल केस में भाई जल्दी से जल्दी भी करेंगे तो आपका 15 अक्टूबर 14-15 अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं, वो भी तब जब ध्यान देना 2 दिन के अंदर आपकी अगर करेक्शन विंडो ओपन हो रही है तो इसका मतलब देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम आपके मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। आप ध्यान से समझना एग्जाम्स लंबे नहीं खिंचेंगे, रीजन सुन लो मेरी बात, रीजन सुनो मेरे भाई, रीजन है रोजगार मेला। रोजगार मेला मेरे भाई आपको पता है मिशन मोड के तहत आपको 10 लाख रोजगार देने थे जिसमें से अभी 4 लाख बाकी है मेरे भाई, 6 लाख हो चुके हैं उनको रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट जो दे चुके हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अब 4 लाख आपको और देने हैं। तो इसमें सेंट्रल के भाई आपको भी पता होगा, आपके कोई जानकार में होगा कि जो सेंट्रल एम्प्लॉय उनको भाई आगे से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं भाई जो रह रखे हैं, तो ईएमआरएस को भी स्ट्रिक्ट गाइडेंस है मेरे भाई जल्दी से एग्जाम दो, फटाफट से रिजल्ट दो। तो इस वजह से मेरे भाई इनके पास इनके रह रहे हैं दिसंबर तक करना ही नहीं, तो मेरे भाई ये पूरी पूरी चांसेस है मिड ऑफ अक्टूबर में अगर ये एग्जाम लेना शुरू कर रहे हैं। देखो मिड ऑफ अक्टूबर से नवंबर तक ही जाएगा, इससे इसके बाद नहीं खींचेगा इतना लंबा, क्योंकि इन्हें भाई रिजल्ट भी देना है, फटाफट से रिजल्ट देना है। और किसी में तो जैसे आपके टीजीटी में तो आपको इनको सीधा मेरिट आउट हो जाएगी, सीधा डीवी कराना होगा, पर पीजीटी वगैरह में तो इंटरव्यू भी तो होंगे ना मेरे भाई, तो इसको स्पीड में करेंगे, इतना सारा प्रोसेस के लिए टाइम नहीं बचा इनके पास, ठीक है मेरे भाई। तो आप मान के चलिए परेशान ना होइए भाई, अपना 15 अक्टूबर की डेट मान के चलिए 15 अक्टूबर। देखो ये सैटरडे संडे वाले दिन ही होता है ज़्यादातर एग्जाम्स आपके, सैटरडे संडे वाले दिन ही होते हैं, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो आपके सैटरडे संडे वाले दिन, तो अब देखो ये हुआ 7-14, अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है इन्होंने ये वाली डेट को पोस्टपोन करा के 21-22 की ले ली हो, ठीक है मेरे भाई। तो आप कोशिश करना आप 14 का टारगेट ले, देखो जल्दी करने के चक्कर में पैनिक मत होना कि बिल्कुल ही 7 को है तो बिल्कुल ही छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, एग्जाम का टाइम सबके लिए बराबर है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भाई ये जल्दी हो रहा है एग्जाम तो ये मेरे लिए जल्दी हो रहा है, ये सबके लिए जल्दी होगा। तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग आपकी
आपकी कट ऑफ जाएगी। और भाई मैंने EMRS की, TGT की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, साइंस की, SST की, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, देखो सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए सोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू NVS फाइनल रिजल्ट। NVS का फाइनल रिजल्ट क्या था, आपको पता है NVS का और EMRS का बिल्कुल सेम सिलेबस है। अब सेम सिलेबस होगा, और अब देखो कई बच्चे मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं कि सर वेरिएबल डिफिकल्टी लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल मे वेरी। भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट एक चीज समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि CBSE के एग्जाम में ना रिलायबिलिटी रहती है, रिलायबिलिटी इन द सेंस आपने देखा है, जैसे मैंने एक एग्जाम, जैसे मैंने वो एक पेपर दिया उनका मॉक टेस्ट, अगर मेरे उसके 100 में से 70-80% आ रहे हैं तो अगले वाला मॉक भी दूंगा और उन्हीं के होगा तो उसमें भी 70-80 आएंगे, क्योंकि भाई उनका जो एग्जाम होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ही रहता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ CBSE की, ओरो की बात नहीं कर रहा, ओरो में हो सकता है भाई 10th लेवल का सिलेबस दे दिया, ग्रेजुएशन का दे दिया, वो बिल्कुल पॉसिबल है। बट आप अगर प्रीवियस ट्रेंड देखोगे CBSE का, जैसे कि आपने KVS में देखा, KVS में आपका हमेशा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास की AP लिखी है तो 10th क्लास की AP ही आई है, वो 11th पे भी नहीं गया। भाई आप सब इससे सहमत हो, जिसने भी पेपर दिया KVS का वो इस बात को रिलेट कर पाएगा कि ये अपने लेवल पे ही रहते हैं। ये बाद में भाई रूमर्स होते हैं कि पेपर पता नहीं कहीं और से आ गया, भाई आपने जिसने तैयारी करी उसे पता होगा जो उन्होंने सिलेबस बोला था वो उसके अकॉर्डिंग ही रहती है। NVS में भी बिल्कुल वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहे थे, तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके हिसाब से मैंने बना रखी है एनालिसिस कि आप उसको उसमें देख सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिसेंट एग्जाम है जिसमें आपको पता चलेगा कंपटीशन लेवल भी और सारी चीज़ भी, नंबर ऑफ वैकेंसीज का कंपैरिजन भी दे रखा है, और आपको एटलीस्ट यूँ तो पता चलेगा कि दिक्कतें क्या आ रही है। भाई दिक्कतें बहुत हैं, आपको पता है इतना खतरनाक एग्जाम होता है कि देखो बच्चों के 120 में से बहुत मेरे दोस्त हैं और आपके भी होंगे 100+ नंबर हैं उनके 120 में से, कट ऑफ कितनी गई हुई है 85-74 इतनी कट ऑफ गई हुई है, बट उनके 100 से ऊपर है फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में जो आपकी रीजनल लैंग्वेज या लैंग्वेजेस इंग्लिश हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, ये तीन लैंग्वेजेस होते हैं, इसमें 40-40% लेना होता है, उसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। तो भाई अगर आप फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है 5 सही करे 5 गलत करे तब भी आप फेल हो, क्योंकि 4 नंबर नहीं बन रहे मेरे भाई। तो इस केस में भाई सबसे पहले आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए, स्ट्रेटजी के लिए एक सही पर्सन सबसे पहले एनालिसिस देखता है, प्रीवियस ट्रेंड को देखता है, समझता है, फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करता है। अगर मैं उस कट ऑफ में फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं कि 85 मार्क्स लेने हैं तो आप मेरे से, मैं उसी में ही बता रहा हूं कि आप इससे ऊपर टारगेट लेके दो, मैं उसमें आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि हर पर्टिकुलर वीडियो में कि आपको तैयारी कैसे देनी है, टेक्स्ट बुक पे मार्क्स देने हैं, आपको परसेंटाइल पे वर्क करना है, तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए, भाई मधुर ढाका के नाम से ही है, आप सारी सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, सबकी अलग अलग दे रखी है अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है भाई, थैंक यू।